दो घंटे आने के तो वर्ड टोटली वर्थ इट बिकॉज एज यू कैन सी के मैं इतनी खूबसूरत जगह पे हूं बट दो घंटे जाने के टोटल जो चार घंटे हैं इट बी टोटली बिकॉज आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं उस शख्स के साथ जिनका इंटरव्यू इज समथिंग हॉट का मोस्ट अंटक्सपेक्टेड इंटरव्यू क्यों क्योंकि उनका ड्रामा आ रहा है सबात जिसको आप लोग भी बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग भी बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को आप लोग भी बड़ा अप्रीशियेट कर रहे हैं हम लोगों ने भी अब बहुत अप्रीशियेट करना शुरू कर दिया है तो आज हम बात करेंगे दी हाथ थ्रोब अमीर गिलानी के साथ उनसे उनके ड्रामे के बारे में बात करेंगे उनसे उनकी बिगनिंग के बारे में बात करेंगे और आज हमारे इस इंटरव्यू में अमीर एक बहुत मेजर अनाउंसमेंट भी करेंगे सो आपने कहीं जाना नहीं है Stay tuned, I'll just be back.

and this is like the real real deal i think sabat is how did it all begin you wanting to become an actor because i know and shayad aap logon ko bhi pata ho amir is a practicing lawyer ji <laughs> bilkul <laughs> so ye being a lawyer ye aapne kaise socha ki acha mujhe acting karni hai असल में जी आ, uh, मैं बचपन से बहुत ज़्यादा पैशनेट था अबाउट दिस आर्ट this दिस फील्ड this, this मुझे टी वी पर हीरोज़ को देख के बहुत कूल लगता था मुझे भी आना था टी वी पर और पढ़ाई पर मेरा बिल्कुल भी मेरा मुझे कोई शौक ही नहीं था आई वॉज नॉट वेरी इनक्लाइंट टू वर्ड्स एकेडमिक्स बट क्योंकि मेरे थोड़ा सा बैकग्राउंड है लॉ में माई फैमिलीज़ इन लॉ सो दे जैसा कि कुछ तो कर लो तो यही कर लो हमारा अपना फर्म भी है ऑफिस भी है तो मैंने सोचा चले ठीक है आई एल डू इट एंड आई वुड ऑबली इंकरेज एवरी वन टू डेफिनेटली अक्वायर ए डिग्री एंड टू परस्यू एजुकेशन लेकिन पैशन इज़ वेयर द हार्ट इज़ और uh, मुझे तो बहुत ही एक्टिंग इज़ जस्ट समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू सो इट्स मोर अबाउट पैशन फॉर मी राो वो यू कॉल ब्रेड एंड बटर और जॉब आई ट्रीट इट लाइक अब आई ट्रीट इट लाइक यू नो इट्स जैसे आपको अभी ये सब आपको लग रहा है इंटरव्यू लेना या रिव्यू करना उसी तरह मेरे लिए एक्टिंग है तो जब अमीर के लिए इतनी ये पैशनेट एक जॉब है और मेरे लिए उनका इंटरव्यू लेना इतनी पैशनेट जॉब है तो एक घंटा हम खड़ा होकर इंटरव्यू नहीं कर सकते क्योंकि धूप भी ऊपर अब सीधी हम पे आ रही तो है तो मेरे ख्याल में अमीर हम वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं और फिर आराम से ठंडे पानी के साथ हम ये इंटरव्यू रिज्यूम करते हैं सो तो एक और छोटी सी ब्रेक उसके बाद में और अमीर दोनों यूं करके वापस आएंगे जी अमीर तो थोड़ी शुरू से शुरुआत करें बिकॉज आपके फैंस के हमें बहुत अरसे से मैसेजेस आ रहे थे हम भी बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन आप इस्लामाबाद में थे तो हम वी कोट डू दिस इंटरव्यू अर्लियर बट अ लॉट ऑफ योर फैंस ऑल्सो वॉन्ट टू नो अबाउट योर लाइफ बिफोर स तो यूजली हमारे इंटरव्यूज का फॉर्मेट ऐसा है कि हम ड्रामो की ही बात करते हैं बट इन योर केस आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर चाइल्ड हुड इज बो वे वर यू बॉर्न वे डिड यू स्टडी एंड फाइनली यू नो हाउ डिड You transition from being a lawyer and into acting? Mm -hmm. um, I don't know where to start. So, uh, uh, I was born in Tirbela. In, uh, I am from Kohat. I'm actually a uh, Pathan. Um, I, I belong to Kohat, but I was born in Tirbela in and I grew up here in Islamabad. Schooling uh, life to Sari Islamabad. I think in uh, seventh grade, I moved to Canada. Okay. Mm -hmm i moved to canada or mahape with my entire family, uh, my little sister and my parents. Um, and we lived there for about six years. i did my high school from there. or um, acting king i'm sure everyone like my family and friends watching would know this, but uh, jab se I, I can remember. Jab se, matla, i think at three years, four years old, uh, i used to be a huge movie fan, like a movie buff, um, whether it be bollywood or hollywood. Uh, पाकिस्तान की तब शायद इतनी मैंने नहीं देखी थी अब वेयर ग्रोइंग सो आई वुड रियली मिमिक दीज दीज एक्टर्स दीज सुपर स्टार्स और uh, सब मुझे बोलते थे बचपन में निक नेम की तरह ही हीरो है हीरो है हालांकि आई वॉज़ वेरी चबी आई वॉज़ वेरी फैट लेकिन कॉन्फिडेंस मेरा वही था कि मैं हूँ हीरो सो uh, so वो एक कीड़ा था हमेशा से और पढ़ाई में इतना कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था मुझे और कैनेडा में जाके हाई स्कूल में दे ऑफर्ड ड्रामेटिक्स एज अ कोर्स सो मैंने वहाँ पे ड्रामा लिया थोड़ा बहुत थिएटर किया माई हाई स्कूल और उसके बाद आई मूव्ड बैक टू पाकिस्तान माई ग्रैंड फ़ादर मी टू कम बैक सो माई डैड लेट्स गो सो वी ऑल मूव बैक और हम यहाँ पे आए और बस दैन अब सब आपके सामने उसके बाद वॉट यू ग्रो अप वॉचिंग इतना जो आपको शौक था कौन थे आपके हीरोज़ कौन थे आप तो हीरो थे ही अपने फैमिली <laughs> में और फ्रेंड्स में बट आपके हीरोज़ कौन थे uh, देखिए एक तो आई एम ह्यूज सुपर हीरो फ़ैन मुझे सुपर हीरोज़ बहुत पसंद है तो मुझे तब मैं स्पाइडरमैन देखता था बैटमैन सुपरमैन तो जो सब बच्चों के हीरोज़ होते हैं वो मेरे भी थे uh, लेकिन अगर हम बॉलीवुड uh, uh, की बात करें तो मैं uh, uh, शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सलमान खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और uh, इन इन्हीं की मूवीज़ पे हम बड़े हुए हैं इन्हीं की नकले उतार के हमने जो है तो अपने फैमिली को एंटरटेन किया तो यही थे मेरे हीरोज भी सो so, जब आप कैनडा से वापस आए hmm. यहाँ पे फिर आपने अपनी लॉ की डिग्री को कंटिन्यू uh, तो नहीं मैं कहूँगा बट आपने स्टार्ट किया उसको. जी जी यू डिड जो एल एल बी हेयर जी बिल्कुल आई डिट माई एल बी हेयर आई एन एक्सटर्नल प्रोग्राम और uh, यहाँ पे मैंने क्योंकि माई ग्रैंड फादर इज़ अ लॉयर एंड आई डेंट नो वो स्टडीज आई हैड नो क्लू So, um, uh, I said कि चलें अब एक चीज़ है तो फिर कर लेते हैं शायद फैमिली ट्रेडिशन को continue <laughs> जी जी बिल्कुल <laughs> तो uh, फिर आई I स्टडी I लॉ और uh, साथ साथ मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया हुन एक्स्ट्रीमली सपोर्टिव थ्रू आउट माई के आई थिंक आपके माँ बाप जब आपके साथ हों जी बिल्कुल. तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं और uh, उनकी दुआएं और उनकी सपोर्ट और uh, मैंने थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत मॉडलिंग आप कह सकते हैं कि Not ramp walk or anything, but a few still shoots and uh, a, a few ad campaigns. And then that's how I made my way. In. So the parents and the grandfather, the family was okay with Amir uh, uh, dabbling into modeling and drama. They said, okay, that's fine. Uh, my parents were definitely okay. Uh, grandparents, it, it took some time to convince them. And uh, my parents have played a major part in convincing them. Um, my Dadi, Allah Bakshi, she just passed away. Um,

उन सबको बिठा के बता के कि ये मेरा पोता है और ये हीरो है ये देखिए इसके सोप में बोलता था बिग मामा मत दिखाएं अभी अभी बेहतर काम करना है लेकिन uh, माई दादा वाज लिटिल स्ट्रिक्ट ही सॉर्ट ऑफ वॉन्टेड मी टू यू नो स्टिक टू लॉ एंड सिंस दैट्स हिज एक्सपर्टीज़ तो वो बोलते थे कि क्या तुम कहाँ धक्के खाओगे यू नो इधर ही आ जाओ घर पे सो बट माई पेरेंट्स आर बिन सुपर सब बात जब फिर आपके पास आया सोप आपने किया

ज बिन काइंड और जो भी आ, मैं करता हूँ मैं पूरे दिल से करता हूँ सो आई थिंक अगर आपकी नीयत साफ होती है तो बस सब अच्छा ही हो जाता है सो so, इस बीच में फिर सबात कैसे आया सब्बात बेसिकली शहजाद भाई जो हमारे डायरेक्टर हैं शहजाद कश्मीरी इनसे मैं मिला था वाइल आई वॉज शूटिंग फॉर लोग क्या कहेंगे मैं इनसे मिला था आम, आ, वेरी ब्रीफली और आ, 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 ही टोल्ड मीट और ही वॉज एक्चुअली टॉकिंग वीर ऑल सेटिंग टुगेदर माई डायरेक्टर ऑफ दैट सोप एंड शाभ भाई और उन्होंने कहा तो एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें उनको एक यंग लड़का चाहिए और उनको प्रफरेबली एक न्यू फेस चाहिए और मैं बैठा हुआ था क्या ये तो अगर मुझे मिल गया तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि उन्होंने थोड़ी बहुत कहानी भी सुनाई जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी अब मैंने सोचा कि क्या करें कैसे अब मैं इनको कैसे बताऊं कि आप मुझे कास्ट कर लें कैसे व्हाट्स द प्रोसीजर आई वाज वेरी ऑब्लिवियस टू दीज थिंग्स सो आई डोंट नो कि कैसे करना है um, तो शहजाद भाई ने मुझे बोला कि uh, आप ना थोड़ा सा अपना वेट कम करें और मजीद आई वाज एक्चुअली प्रीटी बल्की थोड़ा सा अपना वेट ट्रिम डाउन करें ना आप बेहतर लगेंगे स्क्रीन पर ही इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक डी ऑफ पाकिस्तान तो उन्होंने मुझे ये बोला एंड देन उसी दिन से जी आई स्टार्ट ऑन माई वेट लॉस एंड जस्ट थिंकिंग मे बी बाई चांस इट फॉल्स इन टू माई लैप एंड वन डे आई गॉड अ कॉल फ्रॉम फ्राम हम टी वी एंड दिस के हमारा एक प्रोजेक्ट है लेकिन उसमें अभी हम आपको कंसिडर कर रहे हैं सो आपके पास डेट्स अवेले मैंने बोला बिल्कुल अवेलेबल हैं जी ये तो मुझे पता है इस प्रोजेक्ट के बारे में सो देन शहजाद भाई ऑडिशन में uh, पहले एक एन इनिशियल ऑडिशन एंड देन ही कि अगर मुझे फर्स्ट टेक में भी नहीं लगा कि तुम सही हो तो मैं फार कर दूंगा अच्छा जी इतने प्रेशर के साथ जी. आपने वो फर्स्ट टेक किया बिल्कुल फर्स्ट टेक ऑन सेट सम ऑफ द एक्टर्स स्टार्टेड शूटिंग ऑलरेडी समीज़ माय फर्स्ट डे एंड ही सेट कि अगर आपने मुझे समझ में नहीं आए आप ऑन स्क्रीन सो आप बुरा मत मानिएगा फिर मैं आपको रिप्लेस कर सेंड यू होम जी सो so, बहुत प्रेशर था so like which which that, uh, जी वो आपको सीन अगर याद होोड आई गो टू माई डैडिस एंड माई डैडी लेकिन yeah. मैं भी आप ही का खून हूं huh. <laughs> <laughs> अच्छा था वो उससे उस नहीं पता चला कि मतलब <laughs> आपका पहला था यूसी अच्छा एक और चीज है मैं आपसे जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ बिकॉज वेन यू न्यू एक्टर आपने एक सोप किया हुआ है और अब आपका मेजर एक ड्रामा जो कि पहली एपिसोड के बाद ही हिट हो गया मतलब एक पॉपुलैरिटी उसकी बन गई पहली एपिसोड पॉपुलर लोगों ने देखना शुरू कर दिया और फिर होता ही है कि हमारे केस में YouTube के ऊपर बिकॉज होता है एपिसोड तो उस वक्त टीवी पर ना भी देखा हो तो बाद में फिर बहुत लोग कैचअप करते हैं और बहुत सारे व्यूज आ जाते हैं उसके ऊपर तो पहला और दूसरा एपिसोड तो काफी लोगों ने देखा था हमने भी देखा बिल्कुल आप लोग उसकी लीनियर शूटिंग नहीं करते जी बट जब हम देख रहे होते हैं तो हमें ये लगता है कि यार ओ ये शुरू में लड़का जो है ये थोड़ा सा अभी सही नहीं है इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्या वो स्क्रीन प्रेजेंस नहीं है वो बात नहीं है और बाद में हमारा ओपिनियन चेंज हो जाता है इवन तो आपने लीनियर शूटिंग नहीं की हुई होती बिल्कुल तो ये जो शुरू में आपको बिकॉज ऑफ द फैक्ट के यूर ए न्यू एक्टर तो उस वक्त अगर इस तरह की बात कोई कहता है या क्रिटिसाइज करता है कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है अब, अब अगर सच बोलूँ तो फ्रस्ट्रेशन तो होती है जी बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है सो um, so ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट असल में आपने रेज uh, किया है कि हम लोग लीनियर शूटिंग नहीं करते और मैं यही ना अपने आप से बात करता था कि इनको मैं कैसे बताऊँ कि ये तो लीनियर है ही नहीं बल्कि शुरू के जो सीन्स थे जो यूनिवर्सिटी का सारा पोर्शन था दैट अ लास्ट कैजुल ऑफ बात It was the end of That's we और uh, मैं सोचता था कि uh, अगर इनको मेरा एंड तक क्योंकि एक नेचुरल सी बात है uh, जैसे अगर हम इस इंटरव्यू को भी लें वी गो विल गेट मोर कम्फर्टेबल अदर तो उसी तरह आई थॉट अगर मैं एंड तक टीम से कंफर्टेबल हो गया था और वो चीज़ ट्रांसलेट नहीं हो रही <laughs> तो ये बात कर ये जो शुरू में शूट की है वो कैसे होगी तो um, uh, मैं बहुत डर गया था असल में क्योंकि आई हैव गिवन लिटरली माई ब्लड एंड स्वेट टू स बाथ एवरी थिंगड इन मी के आई वॉज सो एग्जॉस्टेड आफ्टर स बात कि मैंने बोला मैं दूसरा प्रोजेक्ट करूंगा भी कैसे और मैंने बोला इतनी मेहनत के बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा हूँ मैं शुरू में तो कैसे चलेगा लेकिन आई थिंक द थिंग इज़ कि हमारी ऑडियंस जैसे आपने बोला मुझे एज अमीर नहीं देखती मुझे एज़ हसन देखती है सो द कैरेक्टर एक्चुअली ग्रोज़ ऑन यू आई फील कि द कैरेक्टर ग्रो ऑन द ऑडियंस एंड पीपल स्टार्ट एड लाइकिंग हसन as they understood Hassan, because Hassan is actually, if I'm allowed to talk a bit about the character, Hassan is is um, not exactly like his sister. Matlab, even in the beginning, when he yeah. spoiled, लोगों को बहुत हुआ कि यार ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा spoiled है कि नहीं है लोगों ने ये point भी बहुत raise किया मुझे भी नहीं समझ में आता क्योंकि शुरू की episode में he was spoiled जी I mean yeah. he was a spoiled brat he was बिल्कुल लेकिन असल में we kept a lot of shades to to Hassan वो हमने कैसे किया हम बिल्कुल फर्स्ट सीन ले, ले इंट्रो का जिसमें आतिफ बैठे होते हैं तो आतफ से निकम्मा नहीं बनाता ना शुक्र मत हो और समाकॉग like है सो दैट शोजी में वो डायलॉग था आई थिंक वो प्रोजेक्ट बना रहा होता है सो so, uh, वहाँ पे हमने एक चीज़ इंटरेस्ट स्टेब्लिश की कि यार ये असल में है अच्छा लड़का ये अपने आप को इस तरह समझता नहीं है हाँ जब वो फ़ोन फेंकता है और बोलता है मैं नया खरीद दूंगा इट्स बिकॉज के लिए इतनी बिग डील नहीं होती ही इज ग्रोन अप इन एन एटमोस्फेयर वेर इट्स नॉर्मल टू बाई न्यू फोन इट्स नॉर्मल टू ट्रेवल इन बिग कार्सन लाइफ एनी अदर वे बट ही इज़ नॉट एरोट अबाउट इट लाइक मिराल इज सो इसन Actions are not coming from a place of arrogance. His actions are coming from a place where he doesn't know better. Yes, uh, from, he's, he's processed like that. Yeah, I think that's yeah, a better way. That's word. fair enough. Yeah. Okay. Ji, ji ji He's actually a reflection of his mother. He is like his mom, who's a very positive character. <laughs> and Miral, as you can clearly see, <laughs> yeah, is, is uh, and the father, they're, they're the same team. So, um, uh, yeah, thing we which and even I as an actor. बिलीव दैट इट इज़ वेरी ईजी टू इमोट दी आउटवर्ड एक्सप्रेशन कि अगर आप बोलो कि गुस्सा दिखाओ तो मैं एकदम से आप पे चीखने लग जाऊंगा माथे पर बल ले आऊँगा कुछ कर लूंगा बट आई फाइंड दैट रियली ईजी एंड आई फाइंड दैट आई थिंक इट सॉर्ट ऑफ चीटिंग आई थिंक द ट्रू थिंग अबाउट एक्टिंग इज टू एक्चुअली फील इट थ्रू योर आइज एंड एक्सप्रेसड थ्रू योर आइज ताकि ऑडियंस कनेक्ट कर पाए और हसन के साथ वो कन्फ्यूजन जो थी डेट सॉर्ट ऑफ मैं विन फॉर मी कि लोगों को समझ नहीं आ रही थी इस पॉइंट है कि नहीं क्योंकि वो नहीं था वो स्पॉइल्ड था नहीं पर वो दिखा रहा था कि वो स्पॉइल्ड है सो केप्ट अ लॉट ऑफ शेड्स टू हसन का कैरेक्टर इज नॉट जस्ट गुड और बैड ही इज अ नॉर्मल गाय एंड आई थिंक प्लेइंग अ नॉर्मल गाय इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग्स वेरी नेचुरल एट इट दैट्स व्हाट आई हैव नोटिस लाइक यू नो जो पॉजेस भी होते हैं एक्टिंग बड़ा मुश्किल काम है <laughs> बहुत मुश्किल काम तो um, जब आप बात कर रहे होते हैं आप कॉन्वर्सेशन किसी के साथ कर रहे होते हैं या हसन जब किसी के साथ कन्वर्स कर रहा होता है डायलॉग्स होते हैं वो तो ठीक है एक्सप्रेशन आर देयर बट इट्स व्हेन हसन इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग इट्स व्हेन हसन इज जस्ट सिटिंग देयर एंड समबडी एल्स इज टॉकिंग एंड द एक्सप्रेशन दैट हसन हैज़ ऑन हिज फेस एंड एज यू सेड राइटली के आंखों के थ्रू जो वो कम्युनिकेट कर रहा है आई थिंक दैट्स वेयर एन एक्टर्स ट्रू टेस्ट लाइज राइट जी कि जो एक्टर डायलॉग के बगैर एक्टिंग करके खाली अपने एक्सप्रेशन से आपको बता दे कि बात हो क्या रही है दैट आई थिंक इज योर रियल विन जी देखें अगर मैं जैसे अभी हम लोग ये इंटरव्यू कर रहे हैं मैं, मैं अगर आई एम नॉट प्रेजेंट है तो मैं आपको जवाब भी उल्टे सीधे दूंगा सिमिलरली आई थिंक एक्टर्स को हम बोलते तो एक्टर्स हैं बट द ट्रू आर्ट इज़ नॉट एक्टिंग That's what I feel और मैं बहुत नया जी मैं बहुत नया हूँ उस मैं कोई इतना कोई बड़ी बात नहीं करना चाह रहा और मैं सीख रहा हूँ हर दिन सीखता हूँ लेकिन I feel कि अगर लोगों को ये लगे कि यार ऐसे लग रहा है कि एक्टिंग नहीं कर रहा या कर रही ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल नेचुरल है तो उससे बड़ी तारीफ कोई हो नहीं सकती एक एक्टर के लिए क्योंकि एन एक्टर इज सपोज टू डू सीन्स इन अ वेरी नेचुरल वे और इवन आई थिंक स आप थिएटर में कर रहे हैं आप एक uh, स्टेज uh, में लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो देन यू हैव टू कीप द ऑडियंस इंगेज एंड बी वेरी एक्सप्रेसिव यू नो लाउड एंड ऑल बट ये छोटा सा कैमरा होता है उसमें छोटे छोटे आपके एक्सप्रेशन पकड़ते हैं आप कैमरा सच्चाई पकड़ लेते हैं अगर मैं आपको झूठ भी बोलूंगा वो ऑडियंस समझ जाएगी मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ सो आई हैव टू एक्चुअली बिलीव देट आई वॉज हसन एंड देट वट एवर आई वॉज सेज हसन वो वज्रू सो इसलिए वो थोड़ा सा आपको नेचुरल लगा है

लेकिन मैंने अपना दो सौ पर्सन देना इस कैरेक्टर को जी असल में मैं थोड़ा बहुत रिलेट कर पाया हसन से आई 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 दैट हसन वॉज लाइक मी एंड आई थिंक मैं अभी जितने भी अपने दोस्तों से मिलता हूँ या जितने भी मैं um, दोस्तों के दोस्तों से मिलता हूँ मुझे बताते हैं कि दे सी देम हसन और देम सेल्व इन हसन और हसन इन इन देम सेल्वस दे सी दैट आर एबल टू रिलेट आई थिंक हसन इज अ वेरी न्यू एज बॉय और जहाँ तक हसन की ये भी एक क्वालिटी थी कि ही वॉन्टिड टू डू इज माई माई थिंक विद माई ग्रैंड फादर इज़ वेल कि मैंने बोला कि बाबा जान मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ और उन्हें बोला नहीं तुम लॉ करो सो वहाँ पर मैं रिलेट कर पाया उससे एंड आई थिंक सबात बात एज अ स्क्रिप्ट जो कि लाइंस हैं स्पेशली मुझे मैं अपने हस, हसन और अनाया के बारे में बात करूंगा कि जो इनके बीच में जो बातें हैं जो अनाया की उसके फैमिली uh, से बातें होती हैं जो हसन की अम्मी से दे वेरी मीनिंगफुल एंड दे देर नॉट ड्रामेटिक दे वेरी रियल एंड देर ट्रू बट देव अग आई थिंक ईच सी एंड स बाथ आई रेड एटलीस्ट यू नो आरलीज़ अ लॉट ऑफ मीनिंग एंड इट्स कोई एम ही नहीं लिख दिया कि कोई ऐसा हमने कोई सीन सर कोई मना हमने फिलर की तरह भी नहीं किया मेरे कोई खामोश सीन भी होता था मैं और शहजाद भाई दो घंटे की डिस्कशन करते थे उस उस सीन के बारे में और उसके बाद हम सीन करते थे सो आई डोंट नो आई जस्ट फेल इन लव हसन एंड आल्सो आई थॉट के फॉर अ न्यू एक्टर हुज़ नो कनेक्शंस हैज़ नो बैकग्राउंड नो एक्सपीरियंस For a new actor to crack something like a, like a is is actually a blessing in disguise. For so for for a new actor who's got no experience, Ji. Uh, no background, mm -hmm. uh, how did that new actor prepare for, for sabbat and prepare to play Hassan? Uh, so first of all, like I said, I I really worked on my my weight loss. Uh, I uh, trimmed down. I think I, I lost about. टली When I used to be reading it, so I used to feel that I Isko I I was so invested in it that I didn't really think of it as, as preparation like we do for, say, exams. I thought of it as, as, a, as, a, as a learning experience, as a process which was happening within me. So I didn't really uh, uh, consciously prepare for Hassan.

देखे, सुने <laughs> कितना टैलेंटेड लड़का बैठा है हमारे सामने नहीं जिंदगी uh... का पहला सीरियल पहला सीन पहला पहला टेक ओके okay. ओके okay. जी बिल्कुल फर्स्ट टेक ओके था ऑब्वियसली uh, जब हम बाकी सीन शूट करते हैं उसमें तो मल्टीपल टेक्स होते हैं प्रेशर hmm. um, so well and, and अगर ये सही नहीं हुआ तो घर जाना पड़ेगा बिल्कुल ते निकाल उन्होंने मुझे साफ बोल दिया था ना तो दैट्स हाउ इट हैपेंड नॉट अ कॉन्शियस एफर्ट इट्स सो ग्रेट टू टॉक टू यू बिकॉज यू नो द पैशन दैट यू हैव और जिस पैशन के साथ आपने किया है जिस प्यार के साथ आपने किया है आई थिंक वही ट्रांसलेट किया है फिर वो नजर आता है इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर एन एक्टर टू हैव दैट काइंड ऑफ लव फॉर हिज क्राफ्ट और हर क्राफ्ट बिकॉज वही बात है ना कि हमारे यहाँ सबकी नहीं मैं बात कर रहा बट एक चीज होती है कि सम हाउ ऑल अदर यू टेक ऑन अ प्रोजेक्ट बिकॉज यू नीड द मनी और यू नो एक्स वाई फैक्टर वट विद यू इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज योर ओनली कंसर्न इज द आर्ट जी नथिंग एल्स बिल्कुल सो ये

Uh, बल्कि uh, uh, मेरे पहले जो शोप था उसके बाद मुझे जल्दी थी क्योंकि मुझे uh, जैसे आई वोडेंट से इट्स एरोगेंस आई से इट्स कॉन्फिडेंस इट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मुझे पता था कि यू नो आई कैन डू बेटर मैन एंड यू नो आई शुड गेट अ प्रोजेक्ट ऑन अ बिगर स्केल एंड आई कैन नेल दैट बिकॉज मेरा इतना प्यार अगर एक चीज़ से है तो मैं उसमें अच्छा क्यों नहीं करूँगा सो uh, so अब वो हो गया आप लोगों ने देख लिया आप सब ने देख लिया तो uh, uh, अब आई एम रिलैक्सड

so it just brings me closer to ground. I, I feel more grounded and humble. parents are very happy. Yeah. is the grandfather also happy now? yes, yes. actually, balke my grandfather now, he asks me, and he, uh, he told me that i made him cry through an episode. that he watched my episode, and my grandfather only watches news. so he watched this drama, um, obviously, on personal interest. Tha drama mein.

वो भी देख रही होंगी ऊपर से और आ, बिल्कुल आ, वो तो मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से वो तो अनाउंसमेंट कर ली थी जाके कहीं किसी जलसे में कहीं बताए थे कि मेरा पोता आ रहा है टॉकिंग अबाउट योर आपके ज्यादा सीन्स ऑब्वियसली मावरा के साथ हैं एंड यू नो द पहल ट्रैक्स चल रहे हैं आपका और मावरा का ट्रैक है और सारा और उस्मान का ट्रैक है cool. मावरा का भी मैंने इंटरव्यू किया दो हफ्ते पहले एंड शी सेड दैट यू नो She felt a lot of pressure working with you because you were so well prepared. And she's <laughs> like, Amir, and it's not like that she doesn't put in effort in her projects, but she had to double that effort because you were so invested in Sabat. How was the experience of working with Mavra and you know, because there's a very obvious and striking chemistry between Anaya and Hassan. <laughs> and I uh, told Mavra that as well. I said, आज तक आपकी किसी मेल को स्टार के साथ हमने ऐसी केमिस्ट्री नहीं देखी जो हमने आपकी अमीर के साथ देखी है आप तो अभी शुरू कर रहे हैं इट्स लाइक यू नो योर फर्स्ट सीरियल जी उसी सीरियल में आपकी मावरा के साथ बड़ी जबरदस्त केमिस्ट्री है डू वो एट्रीब्यूट केमिस्ट्री टू आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल से मावरा इज एक्सट्रीमली काइंड एंड टू जनरस आई थिंक उन्होंने जिस तरह आपको ये अगर बोला है कि उनको प्रेशर फील हुआ होगा शी इज जस्ट बींग and uh, uh, she's been extremely motivating i think one of the main reasons why i was able to perform the way i was able to perform was because of uh, my co-star mavra she said the, she said she was <laughs> able to perform the way she was able to perform because of you i think it's teamwork then maybe we can conclude it <laughs> i think I, I think it is it is teamwork and um, um, uh, mavra Uh, जैसे कि अभी फॉर uh, इंस्टेंस अगर सिर्फ मेरा भी शॉट बन रहा होता सोलोस जिस तरह हुँ. होते हैं तो उसमें मावरा के एक्सप्रेशन नहीं नजर आ रहे अब जहां तक मुझे नॉलेज है जहां तक मैंने एक्टर्स से भी किस्से सुने हैं और थोड़े बहुत मेरे भी एक्सपीरियंस रह चुके हैं बहुत थोड़े कि जब दूसरे एक्टर का सोलो नहीं होता देर नॉट इवन पुस्ट के वो क्या एक्सप्रेशन नॉट इवन वॉल दैट यू टॉकिंग टू बिल्कुल और बल्कि बाज बाद टेक्स्ट भी कर रहे होते हैं शूटिंग एंड आई कैन अंडरस्टैंड हाउ कैनस्टैंड जी <laughs> तो मावरा यूज्ड टू परफॉर्म इफ नॉट मोर एज इंथ्यूजियाली एज इट वाज हर ओन सोलो एंड दैट इज़ वेरी हेल्पफुल बिकॉज एक्टिंग इज ऑल अबाउट री एंड इफ इफ यू कैन गिव मी एन ऑथेंटिक एक्सप्रेशन और इफ यू स्क्रीम एट मी आई विल जनरली गेट केयर्ड यू नो आई थोड़ा सा मुझे एक आ जाएगा एक्सप्रेशन इस तरह तो इट वाज रियली हेल्पफुल एंड प्लस इफ इफ आई एवर हैड एनी डाउन डेज इफ आई वॉज अल अनवेल एग्जॉस्टेड और समथिंग मावरा यूज टू से आई एम नॉट गोन टेक दिस एक्सक्यूज भाई ये मुझे ना बताओ कि यूर अनवेल और यूर वो तुम आए हो सेट पे मुझे हंड्रेड एंड परसेंट करके दो जिस तरह तुमने अभी कल करके दिया तो वो उस तरह की मोटिवेशन उस तरह की इंक्रेजमेंट always has a positive result and i think niyat hum dono ki bahut saaf thi towards the project towards one another and i think that translated into the chemistry ek bada maze ka trivia hai jo ki shayad aap logon ko pata na ho lekin mujhe pata hai to main aapko batata hu ki mavra aapki co star hone se pehle aapki classmate thi bilkul आप लोग तो लो दोनों साथ में LLB जब मावरा ने किया वही external program जिससे आपने किया आप दोनों ने साथ में किया जी सो मावरा वी सी नाउ एज दिस बिग स्टार टीवी के ऊपर क्लासमेट सो मैं भी इस ट्रिविया के बदले एक और ट्रिविया दे देता हूँ कि मेरी और मावरा की कभी भी बात नहीं हुई अच्छा एलएलबी में कभी भी बात नहीं हुई हेलो हाय uh, कभी हुई है असला और वो मेरे लिए भी उतनी बड़ी स्टार थी जितनी कि आप सबके लिए स्टार थी और uh, लेकिन वो कभी भी वैसे दिखाती नहीं थी यूनिवर्सिटी आती थी चुपचाप पढ़ती थी क्लास लेती थी घर जाती थी और हम सबसे बेहतर मार्क्स लेके आ जाती थी तो <laughs> सो <laughs> <laughs> yes, she, she uh, so and intelligent and uh, um, blessed in in more ways than one. वन मतलब आप सोचें कि वो एकेडमिकली भी इतना उन्होंने एक्सेल किया है इट्स नॉट ईजी जी डूइंग लॉ फॉर एनी वन इट्स नॉट ईजी मैनेजिंग अ प्रॉपर करियर As a superstar and doing law, it's remarkable. I I don't know uh, how she did it, and uh, you know one can learn from her. Um, but she was uh, she was extremely quiet as a student. She would just come to class. Uh, I was sort of the, the the back bencher of of the class. So मैं थोड़ा सा loud होता था और शायद उनको distract भी करता होगा class में. I think क्योंकि वो बहुत ही teachers pet नहीं होती कि बस बस teacher के सामने जीती जीतरा और कोई भी चीज छोड़ कर जाए तो मुड़ के देखती थी अक्सर मैं होता था.

आमना हम रिव्यू करते हैं तो आमना ने ये बात की कि उन्हें ऐसा लगता है कि हसन मिराल के साथ अच्छा। तो जनाजे पे भी नहीं आऊंगी हाँ हाँ। बाप ने भी कहा तुम तो पैदा ही नहीं हुए तो बिकॉज वी आर सो इन्वेस्टेड इन सबात एन हसन एन अनाया कि हमें डर लगने लग गया यार ओए हसन के साथ कुछ बुरा ना हो जाए थैंकफुली मावरा ने मेरे इंटरव्यू में ये बोला द बैकबोन ऑफ सबात हर कोई हसन के साथ जुड़ा हुआ है तो हसन इज नॉट गोइंग एनी वेर बट अब जब हम देख रहे हैं एपिसोड थोड़े से क्रैक्स हसन और अनाया के रिलेशनशिप्स में बनते नजर आ रहे हैं बने नहीं है अभी बट ऐसा लग रहा है शायद आगे चल के बन जाए विदाउट गिविंग अवे टू मच वॉट कैन यू टेल योर फैंस के वो क्या एक्सपेक्ट करें आगे हसन और अनाया की जर्नी में बहुत ही टर्बुलेंट जर्नी है अप्स एंड डाउन आएंगे अभी तो आप काफ़ी यानी कि अप डाउन आएंगे अप डाउन आएंगे और आई थिंक वो हर एक रिलेशनशिप में आते हैं और आई थिंक इट्स व्हाट मेक्स रिलेशनशिप रियल मे बी नॉट एज एक्सट्रीम एज जिस तरह इसमें आएंगे या जिस तरह हम दिखाते हैं ड्रामाज में थोड़ा सा तो हम ड्रामेटाइज भी करते हैं बट इट इट जस्ट शोज देयर लव फॉर वन अनादर आई थिंक इफ यू लव दैट्स वन यू फाइट दैट्स वन यून यू यू नो हैव हैग्रीमेंट्स ओवर थिंग्स

कि अगर मैं कुछ भी बता दूंगा तो मैं खुद बुरा फील करूंगा हसन के कैरेक्टर को लेके एक सवाल अक्सर मेरे दिमाग में आता है कि अभी हमने थोड़ा अरसा पहला भी पहले भी देखा कि अनाया को जब नौकरी मिल गई और हसन को नहीं मिली उसको एक चीज बॉदर कर रही थी क्या उसको अनाया का नौकरी मिलना बॉदर कर रहा था या ये फैक्ट बॉदर कर रहा था कि उसको नौकरी नहीं मिली द लैटर एक्चुअली कि उसको नहीं नौकरी मिली हसन वैसा नहीं है हालांकि बहुत ही थिन लाइन होती है ये दिखाने में क्योंकि आ, हम लोग ये दिखाते आ भी रहे हैं बहुत टाइम से कि थोड़ी सी वो मेल ईगो वो डोमिनेंस, वो शोविनिस्टिक जो थोड़ा सा ट्रेट होता है आ, बट व, वैसा हसन में दूर दूर तक नहीं है आ, शायद ऐसा लगे ऑडियंस को बट हम लोगों ने कॉन्शियस एफर्ट की है कि हालांकि वो उलझावा है उसको स्ट्रेस है उसको टेंशन है कि भाई मैं महल में रह रहा था और कहा मैं अपार्टमेंट में भी आ गया हूँ और मेरे पास जॉब भी नहीं है और मेरी बीवी जो है वो तरक्की भी कर रही है सो आई थिंक एनी पर्सन इन दैट सिचुएशन सर आई डोंट थिंक इट हैज़ टू डू विद ईगो इट्स फ्रस्ट्रेशन इट्स फ्रस्ट्रेशन इट्स फ्रस्ट्रेशन लेकिन और... उसने अनाया के पैसे एक्सेप्ट नहीं किए uh, 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 कौन अनाया ने जब उसको बोला मेरे पास चार लाख की सेविंग है hmm.

तो अनाया उसको बोलती है कि तुम कोई सेविंग्स नहीं थी इसका कोई बैंक अकाउंट नहीं था हाँ। मेरा ओपिनियन ये वो अपने बाप के पैसे लेना नहीं चाहता बिल्कुल बट पीपल स्टिल वर्किंग जब उसने नौकरी की अपने फादर के ऑफिस में की वो तो सैलरी ड्रॉ रहा था ना उसपे तो उसका हक है लोगों ने ये भी कहा भाई शेयर्स भी तो 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 उसके पास है। वो ऑब्वियसली तो जब कभी फरीद साहब की हुई <laughs> <laughs> ही उसको मिलेंगे। कि कोई नहीं लेके आया बट पोलो शर्ट लेके आ गया घर से <laughs> इस <laughs> ये थोड़ी क्लैरिटी ट्रिवियल चीज है कि जब वो, uh, वो दूसरी जॉब कर रहा था व्हिच वाज नॉट एट हिज फादर्स प्लेस फ्री लांस फ्री फ्रीलांसिंग वो उसको मेरे खास से तीन हजार रुपये मिल रहे थे या पाँच हजार मिल रहे थे जिसकी वो क्या ही सेविंग कर रहा था वो भी इतने कम टाइम के लिए आ, उसके अलावा अगर उसके पास कुछ बचपन से पैसे हों तो वो तो उसके वालद साहब के पैसे थे तो वो तो छोड़ आया हो उसका अकाउंट तो होगा कुछ तो मतलब उस उसके उसके अकाउंट में वो पैसे कहाँ से आएंगे तो उसने वो एक्सेप्ट नहीं की? उसने एक्सेप्ट नहीं किए होंगे ये मेरे एक टेक है ऐसा हुआ होगा एंड जहाँ तक

उसने तो बहुत इनोसेंटली सोचा कि यार मैं क्यों इसके पैसे रखूंगा अगर मेरे पास नहीं है मैं बाद में दे दूंगा ना हाँ. मैं क्यों रखूंगा मैं कोई चोर थोड़ी हूँ मेरे पास तो इसके पास हमेशा होते थे पैसे खैर कभी लेने भी नहीं गया होगा खाना पर uh, uh, इस तरह की चीज़ें नाव ही सॉर्ट ऑफ ऑल्सो आई थिंक कि थोड़ा सा इसको सेल्फ डाउट भी हो रहा है कि यार डिड आई मेक द राइट डिसीजन बाई लिविंग माई हाउस एंड एवरी थिंग बिकॉज वो मेरे जो फरीद साहब बोलते थे कि धक्के खाओगे और पता नहीं आप फिरते रहोगे सड़कों पर सड़के नापते रहोगे जो भी तो आई थिंक अ लॉट ऑफ इंटरनल थिंग इज गोइंग ऑन इन हेड तो कहना है कि है तो वो नवाब ज्यादा ही है है बिल्कुल बिल्कुल है वो उसने शहजादों वाली एक जिंदगी गुजारी है ए फोर ए फाइव वो चलाता है बिल्कुल. अब आप उसको जितना उसका लिटरली बाथरूम था उतना उसका अपार्टमेंट है बिल्कुल उसमें अब तो कोई भी बंदा उसकी जगह हो तो फ्रस्ट्रेट हो फ्रस्ट्रेट होगा और आई थिंक शायद कम होती अगर उसके पास एटलीस्ट कोई ढंग की जॉब होती अब उसको जब जॉब भी मिली है वो भी कहा जाके मिली है सो <laughs> so, ये भी एक और मेरा सवाल है जी क्यों उसने एक्सेप्ट की और वो क्यों अभी तक करी जा रहा है सिर्फ इसलिए वही वाली बात है कि इक्वालिटी मेरी बीवी के पास नौकरी है तो मैं कर लू हालांकि वो उसके बाप का बदतरीन दुश्मन है बिल्कुल एंड ही नोज इट बिल्कुल ही नोज इट एंड हिज शिट फ्रेंड्स बिल्कुल सो आई थिंक सर इट इज इट इट्स माई ओपिनियन is no No, concrete line or, or story. No, I I just this. want to know your perspective perspective as an actor who's playing Hasan. So जी, जी, my my ट I, I, uh, uh, think कि जब हसन गया था job करने इसके पास तो initially उसने आतफ को बोल दिया कि भाई मैं तो काम कर ही नहीं पाऊँगा इसके पास फिर आतफ ने उसको बोला कि यार नहीं तू सोच तुझे करना चाहिए उसने तुझे जॉब पे रखा है वो तुझे मसले नहीं करेगा जो भी और कोई जॉब मिल भी नहीं रही और अब इसके वो बिल्डअप हो रहा है पीछे से कि भाई यहाँ पे मेरी बीवी को जॉब भी मिल गई है वो अच्छा भी कर रही है सब कुछ लेकिन एट द सेम टाइम मुझे कुछ नहीं मिल रहा और शायद अगर मुझे जॉब पे रख रहा है तो ही विल एक्सेप्ट मी ही विल नॉट गिव मी शेट सो इट इज़ अ लूप होल सॉर्ट ऑफ

जब ये ऑफिस में अपने यासर कुरेशी के पास काम करता है तो वहाँ पे एक बहुत ही अनोइंग कैरेक्टर है सना मेरे ख्याल से नाम होता है और विदाउट एनी क्रीडेंशल्स और विदाउट एनी क्वालिफिकेशन शी इज़ जस्ट एक्सेलिंग बिकॉज ऑफ एवर फिर रीजनोर इंटरेस्ट विद मिस्टर यासिर क्रैशी और वह सब इसके सामने हो रहा है और इसके लिए आतिफ इसका बेस्ट फ्रेंड है इसके परस्पेक्टिव से तो है, नहीं है उसको नहीं पता कि वो क्या है कोई आइडिया ही नहीं है उसका ख्याल है मासूम बंदा है जो बस बहुत ही अपने मासूमाना तरीके से बातें कर जाता है और आ, 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 वो जब आपको, आपको आपका बेस्ट फ्रेंड भी एक बातें सुना रहा हो और आपके सामने एक सिनेरियो चल भी रही हो आई थिंक के डिस्पाइट नॉट इवन वांटिंग टू डाउट एट द बैक ऑफ योर माइंड मे बी इट 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 सॉर्ट ऑफ सॉर्ट ऑफ क्रॉसस योर माइंड आई थिंक

Uh, I would say कि for now, it's not shook, it's just a little. Uh, for now, for now, for now is the key word. For now is the key word. All I'm going to ask you is that is it going to develop into a major plot line? Would you want to watch the watch? <laughs> Fair enough. जी. अच्छा, अब आप मुझे ये बताएँ कि आपने कहा कि आप LLB कर रहे थे, जी. और आप अपने दादा को help out भी कर रहे थे बिल्कुंग. उनकी law firm में. बीच में आपने एक सोप किया सोप के बाद आपका पैशन था ड्राइव थी आपको सबात मिला आपने सबात कर लिया वॉट्स हैपनिंग विद द लॉ डिग्री एंड हेल्पिंग आउट दादाज लॉ फर्म जी अभी करंटली आई एम परसुइंग मास्टर्स इन लॉ मैं एल एल एम कर रहा हूँ एंड आई ऑलरेडी एक्चुअली अभी तो बिकॉज इट्स हमारे अनफॉर्चुनेटली कोविड नाइन्टीन आ गया था कोरोना हर जगह फैला हुआ है

यू आर डूइंग योर एलएलएम फ्रॉम हार्वर्ड लॉ स्कूल जी जी बिल्कुल आप हार्वर्ड लॉ स्कूल से एलएलएम कर रहे हैं जी जी तो ये खवातीनो हजरात और नाज़रीन पिछले जो पौने घंटे से आप मुझे कह रहे हैं कि आप बैक बेंचर हैं और आपका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप इतने कोई ब्राइट स्टूडेंट नहीं है तो

जब मैं कोई भी चीज़ करता हूँ मैं उसको पूरे दिल से करता हूँ और चाहे वो पढ़ाई हो हालांकि अगर मैंने इवन इफ आई डोंट फील लाइक डूइंग इट बट व्हेन आई डू इट आई डू इट विद ऑल माय हार्ट एंड माय माइंड एंड आई कमिट टू इट सो इट वाज आई थिंक अ मिक्सचर ऑफ माय कमिटमेंट एंड गॉड्स काइंडनेस एंड माय मॉम्स प्रेयर्स दैट आई एम दैट आई आई अचीव दैरव सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग नाउ दैट यू इन एट हार्वर्ड यू पर सुंग यूर एल And because of COVID online classes, at some point I'm assuming that you'd have to go to America to complete your degree. Gee. Yes, Sabat is on air yes. is a massive hit. And I'm sure you're already getting calls. Yes. Amir, ye drama, So ah, yeah. ye where is your career headed? In I mean, your law career and yeah. your acting career. What's I mean, kya chalra the magma? So uh, inshallah, hopefully I'll I'll um, um, go to Massachusetts in December. दैट्स वन दे प्लान on रिज्यूमिंग इन ऑन कैम्पस क्लासेस तो इट्स ए ये years program. तो एक साल तो मैं उधर ही हूँगा और अभी जैसे कि आपने बोला ऑफ़र्स आती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारे ऑफ़र्स आपको अच्छी लगें या वो वो आप मैच कर पाओ उससे कि हाँ यार ये सेम लेवल का है जो कि डायरेक्टर का विज़न हो और आपका विजन हो सो so, uh, अभी तक ऐसा कुछ मतलब कुछ क्लिक नहीं हुआ सो आई थिंक अल्लामी अभी अभी मुझे थोड़ा सा बोल रहे हैं कि खैर हम इसको अभी इतने अच्छे नहीं देंगे प्रोजेक्ट ताकि जब दिसंबर yeah, जाने तक हो सकता है इनशाला कोई क्लिक कर जाए फिर फिर आई थिंक जी के ऑनेस्टली um, uh, uh, मैं अभी करना चाहता हूँ अपना ये एल की चीज परसू जैसे मैंने सब बात करना था जब मैंने सब बात करना था आई वॉज सपोज टू गो फॉर माई एल लास्ट ईयर and uh, i was uh, not enrolled in, in harvard. i was enrolled in another university, which is also a very prestigious university. which one was that? it was edinburgh, scotland. okay, edinburgh. Ji, ji, edinburgh. I was, I was enrolled so there. so i proved to be even luckier. <laughs> <Ji>. <laughs> so, uh, so i, I uh, deferred that. and then i said, okay, you know what? if i am to leave this for something, it should be. Um, i mean i don't know how I to i mean it has it. to be harvard it ha <laughs> yeah it should be maybe somewhere at the top or somewhere you know it, it should be worth it yeah so i feel like this is worth it and it'll only add to my my credentials and my cv and my parents pride my family's pride it'll only add to that so so you're going to certainly take a break after sabath for at least i, I mean your degree per, i'm assuming july mein next year khatam July. I, I believe Friday. so i believe so फ um, um, if एम एबल टू मैनेज हालांकि अभी मैं schedule देख रहा हूँ मैं आजकल भी जिस तरह पढ़ रहा हूँ लग तो नहीं रहा मुझे कोई भी time मिलेगा अनफॉर्चुनेटली बट इफ़ देर इज़ लाइक से स्मॉलर like a shorter span of shooting कुछ इस तरह कुछ मिल जाए जहाँ पर गैप मैं fix कर सकूँ तो करूँगा and एंड वन से आई एम डन विद माई एल definitely आई विल Resume acting. Resume acting, given that there are good opportunities. in. But bro, place. what about the law degree from Harvard? <laughs> 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 I have always gone with the flow. I have never planned anything. Never in my life. And yet, mashallah, he has achieved an admission at, at Harvard and a major success in the form of Sabat. Mashallah. I think it is... Maybe my prayers have मेरी माँ की दुआएं और पुछे uh, पुछे uh, उसके अलावा मुझे तो अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई क्या आपका फॉर्मूला है आपने क्या किया मेरे पास कुछ भी नहीं है आई डोंट नो हाउ इट हैपन विद द फ्लो सो आई डू वॉन्ट टू एक्ट इट्स नॉट लाइक आई डोंट वॉन्ट टू एक्ट बट राइट नाउ करंट सिचुएशन में दी अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव आई विल डेफिनेटली अवेल दैट ओवर दी ऑफर बट हम आपके फैंस को ये बता दें कि उन्होंने घबराना नहीं है बिल्कुल घबराना नहीं है और uh, uh, मैं तो मुझे आप बोलते हैं ना फैंस मुझे बहुत अजीब लगता है कि क्या फैंस लेकिन सपोर्टर्स uh, uh, जो भी मेरे हैं जिन्होंने है जी फैंस जी, 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 जी शुक्रिया लेकिन जितना उन्होंने मुझे uh, प्यार दिया है मैं तो आई डोंट नो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उनका और हालांकि मैं इतना एक्टिव सोशल मीडिया पे हूँ नहीं लेकिन आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करूँ Uh, उनको जितना मैं रिप्लाई कर सकूँ मैं कोशिश करता हूँ इवन ऑन ऑन दामें डी एम और यू नो ऑफ दिस कैसा भी होता है कि वो आपके लिए गो आउट ऑफ देर वे टू एडिट योर कोलाज एंड एंड ऑल सो इनके लिए मैं दोबारा जरूर काम करना चाहूँगा और अपने लिए भी इनके लिए भी हमारे लिए भी है. आपके लिए भी सर बिल्कुल आप... मैं, honestly, um, फ्यू पीपल डिस्पाइट नोइंग नहीं होती आई थॉट के शुरू में जो आपके सीन्स थे इक्का दुक्का बिकॉज आई मीन एक नए चेहरे को जब आप देखते हैं आपको थोड़ा टाइम लगता है उस चेहरे का ग्रो करने को भी टाइम लगता है उस कैरेक्टर को ग्रो करने को भी टाइम लगता है बट यू आर वेरी क्विक इंप्रूविंग ऑल ऑफ आज रॉन्ग आई मीन इट डिन टेक यू लॉन्ग आई थिंक थर्ड एपिसोड के बाद चौथे पाँचवें एपिसोड तक पता लग गया था कि दिस बॉय हैज अराइव्ड जी जी सो कांग्रेचुलेशंस थैंक यू ऑन द ह्यूज सक्सेस ऑफ सबात थैंक यू सो मच कांग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग इनटू हार्वर्ड ऑन परसुइंग योर एलएलएम नाउ दैट यू हैव गॉटन इनटू हार्वर्ड आई एम आई कैन ओनली होप एंड यू नो सेंड यू माय बेस्ट विशेस ऑल्दो आई नो इंशाल्लाह उधर से भी आप फ्लाइंग कलर से uh, पास हो निकलेंगे अपनी डिग्री एम की लेंगे आप जो भी करें फ्यूचर में हमारी बहुत सारी दुआएं और प्यार आपके साथ है थैंक यू फॉर गिविंग आस हसन थैंक यू फॉर योर एक्सलेंट परफॉर्मेंस इन सब जाते जाते उन पार्टिंग नोट अपने जो फैंस हैं ये सपोर्टर्स हैं जो व्यूअर्स हैं उनको कोई मैसेज मैं बस क्या ही बोल सकता हूँ मैं बोलूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर द लव दैट यू हैव गिवन मी आई आई I don't know how to repair this. आई uh, हैव definitely worked hard, and I it only motivates me to work harder. मैं चाहूँगा कि मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूँ और इससे भी बेहतर प्रोजेक्ट्स कर पाऊँ ताकि uh, हसन सर की तरह लोग अच्छी अच्छी बातें कर पाएँ मेरे बारे में और uh, आप लोगों ने मुझे इतनी जल्दी एक्सेप्ट भी किया और uh, इतना ज़्यादा प्यार दिया मैं बस आपका बहुत शुक्र गुज़ार हूँ इस तरह प्यार देते रहिए और आई uh, थिंक एक और बहुत ज़रूरी बात है जो मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि

आप अपने लिए बात को सोचो उधर ही दबा दो इफ़ यू हैव नथिंग पॉजिटिव टू से डोंट से एनीथिंग नेगेटिव एंड जस्ट स्प्रेड लव लाइक यू गाइस हैव ऑल बीन स्प्रेडिंग एंड दुआओं में याद रखिएगा बस ये अमीर है कितनी अच्छी मेरा भी सबसे बड़ा पैसपी यही है ये के आप जा कि आप जाके जब कॉमेंट करते हैं हु केयर्स यू डेफिनेटलीटिंग सो अगर आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा आपको कोई पसंद नहीं आ रहा तो आप उनको कॉमेंट ना करें उनसे बात ना करें अपने काम से काम रखें उनको अपनी जिंदगी जीने दें आप अपनी जिंदगी जीए थैंक यू वेरी मच अमीर फॉर गिविंग अस टाइम इट्स बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर आई थिंक जो मैं दो घंटे ड्राइव करके आया आय वो भी वर्थ वर्थ थे थे इट अब मैं दो घंटे जाऊंगा वो भी कम्पलीटली वर्थ इट थे बहुत सारे हमारे व्यूवर्स इंटरव्यू का वेट कर रहे थे तो दिस इज बीन एन एब्सोलूट प्लेजर थैंक यू वेरी मच लाइक आई होप टू सी यू सून इन शह इनदर ड्रामा नो बडी नोज इन स्टोर फॉर यू आपको क्या पता जो बि हो करे अच्छा ई होशा थैंक्यू सो मच थैंक्यू सो मच थैंक्यू